यूनिवर्सल माइंड ईश्वर की अनंत बुद्धिमान चेतना है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है। यूनिवर्सल माइंड इच्छा और उद्देश्य के साथ है और यही कारण है कि इस दुनिया में माइंड से चमत्कार होते हैं। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपके विश्वास वास्तविकता को दर्शाते हैं या इसे बनाते हैं? इसके आंसर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रियलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अधिकांश लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी फिजिक्स द्वारा बनाई गई है, भौतिक है, मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, कुछ ऐसे ही नियम हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फिजिक्स के नियम भी समय वास्तविकता के उच्च नियमों द्वारा शासित होते हैं। क्वांटम फिजिक्स का कहना है कि सबसे मिनट के स्तर में सब कुछ वास्तव में शुद्ध ऊर्जा है जो सचेत, बुद्धिमान और जीवित है। यह ऊर्जा समय चेतना द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है। इसलिए भौतिक ब्रह्मांड के नियम वास्तव में चेतना के मानसिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। हम जानते हैं कि मन एलिमेंट पदार्थ पर शासन करता है। यह कहना सही नहीं है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और एक वास्तविक दृढ़ता के बिना केवल मजे के लिए चट्टान से कूदकर और ग्रेविटी के नियम का उल्लंघन करने का प्रयास करें। यहीं पर कुछ लोग सच्चाई को गलत समझ लेते हैं और मूर्खतापूर्ण चीज़ें कर बैठते हैं जो उन्हें ऐसे रिजल्ट की तरफ ले जाती है जहां से वो खाली हाथ लौटते हैं। ब्रह्मांड के भौतिक नियम केवल एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं बल्कि यूनिवर्सल माइंड के द्वारा नियंत्रित होते हैं। यूनिवर्सल माइंड ईश्वर की अनंत बुद्धिमान चेतना है जो ब्रह्मांड से जुड़ी है और ब्रह्मांड में हर एक जीवित चीज़ का एक अपना दिमाग है। यह यूनिवर्सल माइंड है जो निर्धारित करता है कि क्या वास्तविकता का भौतिक नियम किसी व्यक्ति के मन के अधीन है या नहीं। उस घटना में जहाँ कोई व्यक्ति वास्तविकता के भौतिक नियम का उल्लंघन करने का प्रबंधन करता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह हारमनी में है। यूनिवर्सल माइंड इच्छा और उद्देश्य के साथ है और यही कारण है कि इस दुनिया में माइंड से चमत्कार होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी यूनिवर्सल के मेटाफिजिकल लॉ है जो लगातार अपरिवर्तनीय है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, यह मौजूद है, इसलिए यह ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, यह अधीन नहीं है। आध्यात्मिकता को रियलिटी के उन पहलुओं में विश्वास के रूप में डिफाइन किया गया है जो इस दुनिया या इस सामग्री में नहीं है। ब्रह्मांड सभी वास्तविकता वास्तव में सार में आध्यात्मिक है। सत्य वह राय है जो वास्तविकता के अनुरूप होती है। रियलिटी वो है जो कोई चाहे या ना चाहे, जाने या ना जाने, और किसी को पसंद हो या नहीं हो, पर वो है। इसी तरह से सत्य वास्तविकता पर आधारित है लेकिन वास्तविकता राय से स्वतंत्र है। मेरी सच्चाई आपकी सच्चाई के रूप में व्यक्त की गई आधुनिक धारणा और यह दावा है कि अपनी संवेद की रियलिटी बनाते हैं। एक उदाहरण है जिसे मैं फैंटेसी के रूप में डिफाइन करता हूँ। वास्तविकता को प्रतिबिंब करने वाले विश्वास सब्जेक्टिव रियलिटी में विश्वास रखते हैं। वे इसके निर्माण की ओर नहीं ले जाते। जहाँ तक सब्जेक्टिव रियलिटी का सवाल है, यह वास्तविकता का वह पहलू है जिस पर आपका इमीडिएट और डायरेक्ट कंट्रोल होता है। यह आंतरिक दुनिया है। आपका विचार सब्जेक्टिव रियलिटी आपके द्वारा प्रभावित हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है और कोई भी शेप ले सकता है। यही कारण है कि सब्जेक्टिव रियलिटी आपकी मान्यताओं के अनुसार परिवर्तनशील है। हम जानते हैं कि भीतर की दुनिया दुनिया को नियंत्रित नहीं करती। आपके विचार वास्तव में रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। चेतना के आध्यात्मिक नियमों का पालन करके संपूर्ण रियलिटी पर नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए रियलिटी सब्जेक्टिव रियलिटी की शक्ति का उपयोग करके सभी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नियंत्रित कर सकते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी परिवर्तन के अधीन है क्योंकि ये अस्थायी है। आप इसके बारे में अलग तरह से विश्वास करना चुन सकते हैं। आप जो देख रहे हैं रियलिटी को तुरंत या समय के साथ बदलने का कारण बनते हैं। वास्तविकता को कायम रखना या बदलना ऐसी चीज़ें हैं जिनके अस्तित्व के लिए आपको उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वे ब्रह्मांड में पहले से मौजूद हैं। विश्वास करने से वे आकर्षण के नियम के अनुसार आपके अनुभव में प्रकट होते हैं। अविश्वास उन्हें आपके सब्जेक्टिव रियलिटी में प्रकट होने से दूर रखता है। वे दूसरों के लिए मौजूद हो सकते हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन आप नहीं। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, वह आपके विचारों का रिजल्ट है, चाहे वर्तमान हो या अतीत या कुछ समय। आप इस प्रतिमान के माध्यम से आपके साथ जो कुछ भी हो चुका है उसे समझा जा सकता है। पहले से ही आपकी चेतना के भीतर जो इन शब्दों से आपकी रियलिटी एक्सप्रेशन के रूप में
प्रकट हो चुकी है। विश्वास और रियलिटी के बारे में इस समझ को रखने का उद्देश्य आपको ऑथेंटिक चुनने में सक्षम बनाता है। विश्वास जो आपको सशक्त बनाने और आपकी इच्छा की रियलिटी बनाने का काम करती है। समझ आपको शक्ति देती है। अब आपके पास विश्वास की अधिक समझ है, इसलिए आपके पास इसका उपयोग करने में दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू गाइस।